आज हम लोग जो है ना, क्या भैया जी, आज हम लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? सुनिए, आज हम लोग जादूगर बनेंगे भैया जी। आप डेली हमको बोलते हैं भैया हम आपको जादूगर बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं है। अरे आप सही में आज जादूगर बनोगे वो किस प्रकार से, यहाँ ध्यान दो। कभी आप ये सोचे हो कि अगर मैं कहूँ ये कोई एक फील्ड है, ठीक, ये आपका जमीन है, ठीक, मान लो मैं अगर बोल दूं इसका, मैं आपको क्षेत्रफल बता रहा हूं, ये आयत है, इसका अगर क्षेत्रफल सोचो, अगर इसका क्षेत्रफल जो है ना 56 है, कितना है 56 है मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई 7 मीटर है, तो क्या आप इसकी चौड़ाई बता सकते हो? हाँ, यहां से क्या यहां तक आप बता सकते हो चौड़ाई क्या होगी इसकी? तो भैया जी हम जो है अभी तक जादूगर बने नहीं है। आप यही बोलोगे ना, भैया अभी हम जादूगर बने नहीं है, अभी आप हमें जादूगर बनाइए तो सही, आप मुझे ये बताइए तो सही क्या। अच्छा रुकिए, सिंपल सा काम, लंबाई को हम लोग 8 मीटर ले लेते हैं, ठीक, आसान लगेगा आपके लिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये वर्ग लग रहा है कि आयत लग रहा, भैया आयत की तरह बनाइए ना, लगता है आपके अंदर वो ड्राइंग का कुछ कमी हो रहा है, ड्राइंग के जो एबिलिटी को आप बढ़ाइए भैया जी। अरे वो सब होती रहेगा, आप यहाँ ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो। मैंने कहा कोई आयत है, अभी तक हम लोग आयत में क्या क्या देखे सुन लो, अभी तक हम लोग देखे क्या, हम लोग वर्ग देख चुके हैं, ठीक, वर्ग में क्या क्या, वर्ग में परिमाप क्या होता है कोई बताएगा मुझे? परिमाप भैया जी 4 गुना 1 भुजा होता, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अच्छा वर्ग में क्षेत्रफल क्या होता? जल्दी से दिमाग को ओपन रखना है भैया जी, भुजा में भुजा से मल्टीप्लाई कर देना तो क्षेत्रफल निकल जाता। वर्ग की एक भुजा किस प्रकार निकालते? अगर हम लोग परिमिति में, क्या परिमिति में, अगर हम लोग इस परिमिति मतलब परिमाप, लो एक ही चीज में लिखता हूँ, परिमिति परिमाप आप कंफ्यूज करते होगे, लो मैं सिर्फ परिमाप लेके चलूंगा, परिमाप में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो मेरा भुजा निकल जाएगा। और एक तरीका होता है भुजा निकालने का, वो क्या, अगर हम लोग क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल निकलेगा किसका, इस वर्ग का, इसमें अगर हम लोग इसका रूट निकाल देना तो हम लोग बड़े आराम से, हाँ, बड़े आराम से हम लोग जो है इसका भुजा निकाल सकते। लेकिन सेम यही चीज आपका आयत में भी हम लोग करते, लेकिन आयत में हम लोग सीखे क्या क्या है, हम लोग सीखे है परिमाप निकालना सीखे। परिमाप क्या होता है आयत का? तो सिंपल सा 2 इंटू लंबाई, भैया जी यही सब तो याद नहीं होता ना, चौड़ाई, ये आपको याद रखना होगा, बस आपसे क्या इच्छा है, सिर्फ छोटा सा ये सब चीज याद रखना बस, बाकी मैथ बहुत आसान है, चंद फॉर्मूले याद रखने होते, उसके बाद मैथ में कुछ रखा ही नहीं, मैथ तो बहुत आसान लगता, याद रखोगे तब ना, याद याद। परिमाप तो ये हो गया, आखिर चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई भैया जी सिंपल सा लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्षेत्रफल ना, चौड़ाई मुझे सिखाना है चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ ध्यान दो, क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, वाह। लेकिन अभी तक हम लोग इस आयत का लंबाई नहीं जाने, आयत की लंबाई क्या होती और आयत की चौड़ाई क्या होती ये अभी तक नहीं जाने। इस लंबाई और चौड़ाई को समझने से पहले, लंबाई और चौड़ाई को समझने से पहले हम लोग आज जो है ना, आज हम लोग एक्स का मान निकालना सीखेंगे, आज तनिक एक्स का मान निकालेंगे। मैं नहीं चाहता यहां पर ये जो फॉर्मूला है भुजा का, अगर आपको ये एक्स का मान निकालने आता ना तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने होते, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, बस 4 फॉर्मूले अगर हम लोग एक्स का मान निकालने जानते तो। लेकिन आज हम लोग एक्स का मान निकालने के लिए ही सीखने वाले, ओके चल, अब एक्स का मान निकालना सीखना है, अब इस सबको भूल जाओ, भूला नहीं है, इसको याद रखना है, पहले एक्स का मान निकालना सीख लेते हैं, ओके। अब मैंने क्या सिखाया था कुछ याद है? हाँ भैया जी हल्का फल्का तो याद है मुझे, हम लोग सीखे हुए एक्स का मान निकालना, बस रिविजन करेंगे, क्या करेंगे रिविजन, हम लोग जानते हैं ना एक्स का मान निकालना, हाँ भैया जी एक्स का किस प्रकार से मान निकाला जाए वो तो हम लोग जानते हैं। अरे सोचो ना, तनिक एक तराजू है, ये तराजू और ये तराजू, ठीक, इस तंटे पर मतलब कुछ ऐसे होता है तराजू, कैसे था भैया जी कुछ याद आ रहा तराजू का? भैया हाँ इस तरह, इसी तरह कुछ था तराजू, हाँ हम लोग जो नापते हैं तराजू को ना, इस तरह वो तराजू है, ठीक। अब मान लो इसके ऊपर 5 किलो का बटखरा चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ सामान है, मान लो 1 kg का यहाँ पर नमक हुआ, तो बताओ और कितना इसमें जो है आलू दे, आलू नहीं, इसमें कितना और दाल दे जो बराबर हो जाए 5 kg हो जाए, तो आप बोलोगे भैया ये तराजू को बराबर करना है, तराजू की इस साइड 5 kg है और इस साइड क्या है, एक दाल का पुड़िया है और 1 किलो नमक है, तो हमको इसको 5 kg करना है, तो दाल कितना किलो लेना होगा, सिंपल सा आपको दाल का वैल्यू बताना है, आखिर दाल कितना किलो लेना होगा, तो सिंपल सा जो नहीं पता उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है,
मतलब अगर हमको दिया हुआ है x प्लस वन इक्वल टू फाइव, तो यहां से हमको बताना है कि x की जगह पर, इस दाल की जगह पर कितना किलो हमको दाल का पैकेट डालना होगा। अब आप सोचोगे भैया जी हम तो जाना था ना, मैंने बताया हुआ है आपको, अगर इस बराबर के इस पार या इस पार कहीं पर भी प्लस का ट्रांसफर कर दे तो वो हमारा माइनस में कन्वर्ट होता, और माइनस का ट्रांसफर करते तो हमारा प्लस में कन्वर्ट होता। और मल्टीप्लाई, सुनो सुनो सुनो, अगर हम लोग भाग का बराबर के उस साइड ट्रांसफर करते तो गुना में चेंज होता, और गुना का अगर ट्रांसफर करते तो हमारा भाग में चेंज होता। बस यही दो रूल है, प्यारा सा रूल है, इसको समझ के चलना होगा आपको। अब यहाँ पर प्लस है, इस प्लस वाले भैया को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो सोचो क्या होगा, ये प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर ये एक्स ही बचा ना, ये हम लोग जाना था आज। अब सिंपल सा क्या करना, एक्स बराबर पांच में एक घटा चार हो गया, वाह बल्ले बल्ले करना है आपको यहीं पर। इस प्रकार हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते, अर्थात यहाँ पर चार केजी दाल का पैकेट रखना होगा। अच्छा आप खुद से एक बताओगे तो या जी क्या बताएं, अगर मान लो यहाँ पर जो है ना 9 केजी के बराबर करना है तो सोचो दाल का कितना केजी वाला पैकेट रखना होगा। भैया मैं बताएगा, मैं बताएगा, बनाइए जल्दी बताइए आप, मैं तो आप ही को कह रहा हूं, कब से बताइए कितना केजी का, कुछ समझ में आया भैया? आप बोलोगे, मतलब आप बोलोगे मेरी प्यारी बहन ना, क्या यहाँ दाल है ना, दाल मान लो एक्स केजी, मान लेते हैं, नहीं पता मान लेते हैं, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ वन केजी तो वन, यहाँ बराबर होना था तो बराबर, यहाँ 9 केजी के बराबर होना तो यहाँ 9 केजी। और हम लोग जानते क्या जानते, जब इस प्लस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 9 तो पहले से था ना, 1 को उधर ले जाएंगे हमारा माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स। तब बताओ एक्स बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 केजी दाल का पैकेट रखना पड़ेगा। इस प्रकार सॉल्व की, कितना आसान था, सबसे आसान था ना, सबसे आसान। आपके सामने तीन क्वेश्चन, हाँ जी तीन क्वेश्चन मैं लिखना हूँ आपको बनाना है, ये तो हुआ जोड़ को अदल बदल करना। अच्छा घटाओ को, पहले क्वेश्चन देखो, अगर x माइनस वन इक्वल टू नाइन रहेगा तो क्या करना है? तो आप बोलोगे भैया, और ध्यान रखना हमेशा जब बराबर बीच में रहे तो इस साइड या का चिन्ह लगाते, इस प्रकार से, समझ में आ रहा? हाँ जी, इसको समझ के चलना है आपको। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोचो यहाँ बराबर है तो बराबर बीच में डाल दिया, इस माइनस वन को उधर भेजेंगे, यहाँ नो पहले से तो नो लिख रही, माइनस वन को उधर भेजेंगे, माइनस जब ट्रांसफर होता तो हमारा प्लस में कन्वर्ट होता, तो माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा, बस अगर ये लाइन समझ में आ रहा है ना आपको, तो दुनिया की कोई भी ताकत ये एक्स का मान निकालने के लिए आपको नहीं रोक सकती, इतना ध्यान में रखना, ठीक। हम लोग जो है इस लाइन को अच्छे ढंग से करेंगे, बस यही लाइन है जो कि आपको परेशान कर सकता। अब यहाँ पर हमको एक्स का मान निकालना, 9 + 1 कितना होता है 10 होता, तो एक्स बराबर 10 निकल गया। हाँ भैया जी कितना आसान था, बस यही काम करना है आपको। अगर इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का 4 × x = 7 रहेगा, अच्छा रहने दो 7। अब बताओ इसमें क्या करोगे भैया जी, अभी आपने बताया बिजनेस माइंडेड है मेरा, बिजनेस मतलब दिमाग, देखिए यहाँ पर प्लस को उधर ले गए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ माइनस को उधर ले गए तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई को ले जाएंगे तो ये मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बस यही आपको सोच रखना है, यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब अभी आपने कहा मल्टीप्लाई है, ये बराबर के यहाँ 7 तो पहले से था, मल्टीप्लाई जब बराबर की इस साइड आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 नीचे आ गया, बस इतना सही काम करना। इस साइड क्या बचा, 4 तो चले गया ना, इस साइड बचा सिर्फ और सिर्फ x, ठीक। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, 7/4 है, आता नहीं आता, अगर सॉल्व नहीं, बस आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है तो इस 4 से इस बगल में 4 से 7 में डिवाइड करोगे और आपको डेसिमल दशमलव में इसका आंसर निकालना है। 4 × 4 = 3.0, 4 × 7 = 28, 2 इस पॉइंट से फिर 0 आया, 4 × 5 = 20, तो कितना आया 1.75। अगर जानते हो दशमलव में तब करना, वरना छोड़ दे, फिर कर ही रहना, सीख तो जाओगे दशमलव में निकालना। हाँ जी चल, ये तो गुणा का हुआ, अगर भाग में रहेगा तो क्या करना, जैसे मान लो 16/5 इक्वल टू, ये रुको रुको, अगर यहाँ 16/5 गुना एक्स इक्वल टू 16 रहा तो किस प्रकार से करेंगे, तो सिंपल से करना है मेरे प्यारे भाई, गला फंस चुका है, कोई नहीं, मैं हमको अधिक मत बुलवा, फटाफट से बना, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इस मल्टीप्लाई को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करते हैं डिवाइड में कन्वर्ट, तो बराबर का बराबर, 16 तो 16 था, इधर मल्टीप्लाई है तो बराबर के उस साइड भेजे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया 16/5, ठीक। बच क्या गया, सिर्फ एक्स बचा, यहां तक में कोई दिक्कत, इसको भी इस तरह बना सकते थे, देखो किस प्रकार से, समझने का प्रयास करना है, इसको भी सेम इस तरह डिवाइड बना सकते थे, वो कैसे, यहाँ देखो
सेवन तो सेवन है, इस मल्टीप्लाई को उधर भेजेंगे डिवाइड हो गया, यहाँ फोर तो फोर हो गया। हाँ जी, अब क्या करना होगा, एक्स बराबर सात, ये भाग मेरा गुना में चेंज हुआ, ये एक बटे चार उलट जाएगा। हाँ भैया जी, या फिर ऐसे भी कर सकते, अच्छा छोड़ो टाइम दो, एक्स बराबर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक छिपा हुआ, सात गुना एक सात, एक गुना चार चार, सात बटे चार बन गया। क्या ही था, कुछ नहीं था। अब यहाँ ध्यान दो, हमको यहाँ एक्स का वैल्यू निकाला, नीचे है यहाँ पर सोलह भागा सोलह बटे पांच, ये भाग हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये भाग हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये सोलह बटे पांच पलट जाएगा। पता है आपको फ्रैक्शन का हम लोग डिवाइड पढ़े हुए हैं ना? हाँ जी, क्या नहीं पढ़े हो? खान लाल कर देने का, हम लोग पढ़े हुए। ये भाग है तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, पांच बटे सोलह हो गया। अब ये सोलह और सोलह कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ हमारा पांच। इस प्रकार से हमको बनाना है, कितना आसान था, खाना आसान। अब दो चार क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करोगे और बनाओगे, ठीक। मैं आपको हिंट्स कर दूंगा, आप परेशान मत होना, आपको बनाना है। यहाँ 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 ध्यान देना है आपको। सुनो, सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा और उम्मीद करते हैं मेरे बनाने से पहले आपका बन जाना चाहिए। सिंपल सा, जब क्या करना है, ये घटा है ना, मैं बनाता हूँ, एक आपको सिर्फ मिलाना है, पहले बनाओ और फिर मिलाओ, आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले आप इसको खुद से बनाओगे, तो इसको पहले आप खुद से बनाओगे, खुद से बनाने के बाद आप मिलाओगे मेरा, क्या सही में आपका आंसर सही है या नहीं, आप मिलाओगे तो 9 - x = 14 है ना। वीडियो पहले रोको और खुद से बनाओ, सबसे हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगे आपकी, ठीक। आप खुद से बनाओगे, यहाँ देखो मैंने कहा क्या, सिंपल सा हम लोग कह रहे थे, यहाँ 14 तो 14 लिख दिए, इस साइड हमको x के अलावा जो टर्म है उसको हटा देना, यहाँ x तो लिख दिए, x मेरा माइनस में तो माइनस में लिख दिए, 9 हमारा प्लस में था। हाँ जी, ये 9 बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 को भेज दिए, 9 हमारा माइनस में चलेगा। आप ये मत कहना भैया ये माइनस भैया 9 के साथ है, माइनस 9 का सिंबल नहीं है, 9 का सिंबल प्लस है, हमेशा सिंबल आगे वाला टर्म होता है, इतना ध्यान में रखना। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा माइनस एक्स इक्वल टू 14 में 9 घटा, भैया जी का होगा 5 होगा, यहाँ 5 होगी। अब ये x, ये माइनस क्या करेगा, तू माइनस को उधर भेज दो, ये माइनस ट्रांसफर कर दो उधर, तो x बराबर माइनस 5 हो गया, ये आपका आंसर है। क्या इतना आंसर निकला है, इतना ही आंसर निकलना चाहिए आपका। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, 14 प्लस x इक्वल टू 20, ये तो बना होगा आपका, आराम से बन गया होगा आपसे, ये क्यों किस कैसे बना होगा वो देखो, यहाँ बराबर की साइड 20 लिख दी, ठीक। अब देखो हमको सिर्फ x चाहिए, x लिख दिए, x हमारा प्लस में तो प्लस आगे में लिखा होगा, जो दिखत ना है आपको दिख जाएगा, x लिख दिए। अब 14 बराबर उस साइड भेजेंगे, यहाँ 14 का चिन्ह मेरा प्लस में है, ये बराबर की साइड गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, तो x बराबर क्या हुआ, 20 में 14 घटा तो 6 हो गया, बस यही आपको काम करना है, छोटा सा काम है। अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 गुना एक्स बराबर 114। अब क्या करना है वो देखो, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ हमको बराबर की इस साइड 114 लिख दी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, जब ये मल्टीप्लाई बराबर की उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह ना आसान लगेगा, ठीक। जब फ्रैक्शन आएगा ना, फ्रैक्शन बटे वाला, तब हम लोग वो डिवाइड में कन्वर्ट, अच्छा लो अच्छा से बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई बराबर की इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, ओके। यहाँ सिर्फ एक्स बच रहा है, हाँ जी। अब 114 बटे 16 सिंप्लीफाई हम लोग सीखे हुए, सिंप्लीफाई हुआ, फ्रैक्शन का जोर घटाओ गुना भाग, दशमलव का जोर घटाओ गुना भाग, सब सीखे हुए। क्यों सीखे थे, इसी दिन के लिए, आपका जब बेस मजबूत रहेगा ना तो बड़े आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 7 = 14, हाँ जी, मतलब 57/8, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको दशमलव में निकालना है तो बगल में दशमलव सॉल्व करके इसका दशमलव आप निकालोगे, लेकिन आप बना सकते हो आराम से। अब एक चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये तो बन ही गया होगा, हाँ हाँ भैया जी बन गया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बिहार राघव जी, याद याद दो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, x बाय 20 इक्वल टू 40, हमको x का वैल्यू निकाला, हाँ जी, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड जब बराबर की उस साइड जाता, ये हमारा जो बराबर, अच्छा अगर समझ में ऐसे नहीं आएगा ना तो सिंपल सा, इसके नीचे एक डाल देना और कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना है, इस एक का मल्टीप्लाई एक्स से और इस 20 का मल्टीप्लाई 40, लो नो का नो की मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपको भेजने में दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। हम लोग क्या किए, x बटे 20 था, इधर 40 था, तो 40 बटे 1 छिपा हुआ है, एक का मल्टीप्लाई x से और 20 का मल्टीप्लाई 40 से, कोना कोनी गेम खेले हो ना, बस कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देने का। अब आगे सॉल्व करना है, 1 गुना x x हो गया, 20 गुना 40 4 × 8 = 800 हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया, कितना आसान था ना आसान। आज पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या, 6x / 12 = 3, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी मल्टीप्लाई तो करो, तो क्या होगा वो देखो। यहाँ पर 6x × 1 6x हो गया, बराबर का बराबर 12 × 3 करेंगे, ठीक है,
ठीक, 6x बराबर 12 * 36, यहां तक में कोई दिक्कत? कोना कोनी किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते, 6x का मल्टीप्लाई 1 से तो 6x हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 3 से 6x बराबर 12 * 36, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब 6x में यहां मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, जब मल्टीप्लाई, अरे भैया जी 6x बोलो या 6 मल्टीप्लाई x बोलो, दोनों एक ही बात है, समझ में नहीं आता क्या? समझ में आ गया होगा, ये आपको पता है, हम लोग आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ 6x हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई है 6 का, मल्टीप्लाई गुना को जब बराबर की उस साइड भेजते हैं तो क्या होता, डिवाइड होता, 36 में 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 6 बार में कटा तो x का मान क्या हो गया, 6 हो गया, यही तो हमको निकालना था, बस इतना सा प्यारा छोटा सा काम करना था। उम्मीद करते हैं आपको 5 में से 5 मार्क्स आ गए होंगे, ठीक है। एक लास्ट राउंड हम फिर से 5 क्वेश्चन लेंगे, आपको फिर से बनाना है और बताना है जी 5 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। इस बार उम्मीद करते हैं कि 5 में से 5 क्वेश्चन सही हुआ होगा, इस बार तो उम्मीद कम ही था क्योंकि आपको यहाँ गलती हो गया होगा और तो गलती नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें पक्का है, उम्मीद है कि आपसे गलती हुआ होगा, मैं जानता हूं ना आपसे गलती कहां हुआ होगा, बाकी तो गलती नहीं, बाकी चांस बहुत कम है आपसे गलती होने वाला। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे 5 क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक। चलो जी फिर से, हाँ जी फिर से आपके सामने 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को बनाओ और देखो तो कितना सही होता, 5 में 5 सही होता या फिर 5 में 5 सही नहीं होता, ये आपको मतलब ये आपको डिफाइन करेगा कि आखिर आपको समझ में कितना आ रहा है। और ये कोशिश करो, कोशिश करने से ही भाई, मतलब भाई का नाम है भाना, भाई क्यों कहता भाना, ये कंप्लीट होगा। हाँ जी इस 5 को जल्दी से कंप्लीट करो और देखो तो कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और फिर बनाने के बाद आप मिलाओगे क्या सही में 5 क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है। देखो क्या पहला क्वेश्चन आपका है आंसर सही आया हुआ है, वो आप मिलाओगे, पहले बनाओ फिर आपको मिलाना है। हाँ जी अब देखो क्या है, 6x/7 = 9 है, ठीक है 6x/7 है। हाँ जी तो क्या करना है, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, 6x का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, यहाँ 6x * 1 6x हो गया, 9 * 7 कितना होगा, 2 * 7 = 63, यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इस 6 को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 * 2 = 6 3 * 2 = 6 3 = 3 21/2 हो गया, तो x का मान 21/2 निकला, ये आपका रिजल्ट आया होगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आप देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x + 7 = 15, तो क्या करना होगा वो देखो, तो सिंपल सा हम लोग जो है जो x वाला टर्म उसको रखेंगे, अभी जो इसके अलावा है उसको भेज देंगे बराबर की उस साइड, यहाँ +7 है बराबर की इस साइड आया तो -7 हो गया, पहले इसको सॉल्व करो इस साइड को फिर हम लोग कुछ सोचेंगे, 15 में 7 * 8 हो गया, तो यहाँ पर 2x है, 2 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 * 4 = 8, तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 आ गया, कितना प्यारा सा रिजल्ट आ रहा। हाँ जी आपका भी आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या है, -3 - y = 20 है, -3 - y = 20 है। अब सिंपल सा काम करना है, क्या क्या करना है, ये y का चिन्ह तो माइनस में, इसको इसी साइड रखना है y वाले टर्म को, इधर 20 तो 20 लिख दिए, ये -3 को बराबर की उस साइड भेज दो, यहाँ +3 हो गया, कहीं कोई समस्या है नहीं जी। अब यहाँ पर -y है तो -y = 23 हो गया। अब देखो y के साथ माइनस का सिंबल था, माइनस को उस साइड भेजे तो क्या होगा, -23 हो जाएगा, ठीक बातें समझ में आई। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 5/7 - y = 1 है। अब सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर y माइनस के साथ है तो -y = 5/7 प्लस में बराबर की उस साइड जाएगा तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक में कोई समस्या है नहीं जी। अब देखो माइनस वाई यहाँ आ गया, 1 यहाँ है, ये 5/7 इधर आ गया माइनस में कन्वर्ट होकर के, यहाँ -y = 1 - 5/7, इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 छिपा हुआ, ये 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया, 1 के टेबल में 7 सात बार में, 7 * 1 = 7, माइनस का माइनस, 7 के पारा में 7 एक बार में, 1 का पारा 5 * 5, बस यही काम करते हैं लोग, ठीक। फिर -y = -y = 7 / 5 / 2 / 7, अब इस माइनस बेचारे को उधर भेज दो क्योंकि इधर माइनस रखने से अच्छा नहीं लगता, इस माइनस को हटाओ, ये माइनस उधर गया तो -2/7 हो गया, बताओ। चार नंबर भी आपका सही ही हुआ होगा। अब पांचवा नंबर देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि पांचवा नंबर सही होगा ही होगा आपका। हाँ जी पांचवा नंबर चौथा नंबर से काफी आसान है, बहुत 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 आसान है। हाँ जी अब पांचवा नंबर देखो क्या है, 2/3 + x = 1 है। अब यहां से हमको x का वैल्यू निकालना, तो x बराबर क्या होगा, 1 तो पहले से है, 2/3 मेरा प्लस में है, प्लस उधर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, x बराबर यहाँ भिन्न का घटाव करना है तो 1 के टेबल में 3 * 3 = 1 - 2 तो कितना हुआ, x का मान हमारा हो गया 1/3 हो गया। चलिए बस यही काम करना था, ठीक।
चलो 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 हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेंगे, 7 क्वेश्चन, फिर आज का क्लास यहीं पर विराम हुआ। और बताओगे कि इस 5 क्वेश्चन में आखिर कितना सही हुआ, पहले राउंड में भी और दूसरे राउंड में भी। उम्मीद है पहले राउंड में आपने छापा होगा, सेकेंड राउंड में आपने बिना छापे बनाया होगा और वहां पे गलती भी हुआ होगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या करना, ये गलती हुआ होगा 50 नंबर, देख लेते हैं शायद मेरा कल्पना मेरा सोचना सही हो, क्या पता 5 का 5 सही हो जाए, आखिर देखना तो होगा ही ना क्या हो रहा है। ठीक, चलो देख लेते हैं, पहले क्विज का क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे, पहले वीडियो रोक लिया जाए। क्विज का 7 क्वेश्चन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन को उतारो और बनाओ। यहाँ पर क्या है भैया जी, सिंपल सा, इसे एक्स का मान निकालना, इसे वाई का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए भी है और पता नहीं आपका टोटल 5 क्वेश्चन में कितना सही है, वो हम लोग देख लेंगे जान लेंगे। यहाँ आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। अगर लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर दिया हुआ है, वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है, अगर परिमिति 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो। ये बोर्ड मास का सवाल है, ये आपसे बन जाएगा। यहाँ भाग है, भाग भी बना लोगे, ये ट्रांसलेशन भी बन जाएगा, इसमें कोई समस्याएं नहीं होने वाली। इसको बनाओ और बताओ कैसा रहा, ये एक्स का मान निकालना। ठीक, चलो